डेरा गाजी खान मुल्तान रोड न्यू प्राइवेट सब्जी मंडी में इत्तेहाद यूनियन और आढ़ती आमने सामने प्राइवेट मंडी नामंजूर की गूंज। हम किराया किसी सूरत नहीं देंगे। पहले आढ़तियों ने वादा किया था हम साथ रहेंगे, अब आढ़ती धोखा दे रहे हैं। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी मोहम्मद सईद। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान मुल्तान रोड न्यू सब्जी मंडी में आज सब्जी आलू प्याज बेचने वालों ने मीडिया के सामने भांडा फोड़ दिया। इत्तेहाद यूनियन के सदर खालिद खान कनेरा, चेयरमैन सरदार असलम खान पिरार ने सैकड़ों मजदूरों के हमरा कहा कि लालू जसकानी ने हमारे साथी मजदूरों को अचानक बेदखल शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पिछले कई सालों से जमीन पर तकरीबन 600 अफराद थल्ले लगाकर अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। सरदार अंजमन अर्तियान मलक हुसैन बख्श ने हमसे वादा किया था कि हम कभी आप लोगों को बेदखल नहीं करेंगे और ना ही किराया वसूल करेंगे। सैकड़ों मजदूर ने प्राइवेट मंडी ना मंजूर के नारे भी लगाए। बाद हजार यूनियन के अहदेदारों खालिद खान कनेरा, चेयरमैन सरदार असलम खान पिरार और दीगर ने सदर अंजमन अर्तियान मलक हुसैन बख्श से मुलाकात की, जिसमें चौधरी अब्दुल गफार, मलक मोहम्मद नवाज, लालू खान जसकानी भी शामिल थे। मलक हुसैन बख्श अराई ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कहा कि हमारी पूरी यूनियन आपके साथ थी और है। 2 करोड़ की लागत से 4 दीवारें मुकम्मल हो चुकी है। आप सड़कें, सेवरेज और शेड बना रहे हैं जिस पर तकरीबन 22 करोड़ लागत आएगी। हम आप लोगों के लिए एक अलग जगह मुख्सस कर रहे हैं, आप लोग भी हमसे तआवुन करें। आप सब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, सब एक फैमिली की तरह। इंशाल्लाह मेरी जिंदगी रही तो मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। इस मौके पर लालू खान जसकानी ने कहा कि मुझ पर सिर्फ इल्ज़ाम आयद किया गया है, सैकड़ों अफराद इस मजमा में मौजूद हैं। कोई ये कहे कि मैंने कोई रकम का तकाजा किया है, जिस पर सारा मजमा चुप रहा। जराय का कहना है कि कुछ अफराद बताखोरी कर रहे हैं, जिस पर मलक हुसैन बख्श ने कहा कि हम ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल। हाजी मोहम्मद सईद गिंदी, ब्यूरो चीफ, ग्रेट न्यूज, डेरा गाजी खान।